जयंत जी फटके हमारे बत्ती बचाओ मूवमेंट का काम देखा है। ये हमारे मेयर साहब है। अच्छा, हम लोग क्या कैफे लगाने से बैठ गए। अरे आपके वेट कर रहा था। अच्छा, भूपेंद्र जी पैसा भी आ रहे हैं। भूपेंद्र जी पैसा भाई साहब को साथ में चलेंगे। हमारा सामान सर जोधपुर में आगे बैठ जाओ। प्रदेश कार्यसभा की बैठक पहली बार जोधपुर में हो रही है 14 साल के बाद में उसे लेकर के बात करने की कोशिश कर रहा है। पहली बार 14 साल के बाद में प्रदेश कार्यसभा की बैठक जोधपुर हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये हम लोगों ने तय किया है, नीचे हम लोगों ने जिस तरीके से हम लोग 15 अगस्त और 26 अगस्त करते हैं अलग अलग जगह पे, उसी तरीके से संगठन की ओर से ये मीटिंग भी बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होती है, इसको भी अलग अलग संभाग के अंदर हम लोग करना शुरू करेंगे। जोधपुर का पहला 3 महीने में हमारा होता है, इसको ध्यान में रखना है, संभाग क्षेत्र को कवर करने का काम। धौलपुर की ऐतिहासिक जीत से अब और अधिक मजबूती आई है पार्टी में, मुझे लगता है कि आई है। क्या आपको क्या लगता है? मैडम दिखाने के बाद आप यहाँ आई है, बहुत बड़ा स्वागत है और आपने धन्यवाद भी। अरे डीजी नीचे करो ना यार। देखिए ये बहुत दिन से ऐसी पड़ी हुई है, कागज़ में बंदी पड़ी हुई है, और हमारा मैंने तब भी आप लोगों को कहा था जब आपने मेरे को 3 साल पहले पूछा था, मैंने कहा इसका नेगोशिएशन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कोई भी बिजनेस विदाउट प्रॉपर नेगोशिएशन विदाउट प्रॉपर MOUs अपन नहीं कर सकते। नेगोशिएशन में मुझे विश्वास है कि हम लोग अच्छी एक नेगोशिएशन करके राजस्थान के लाभदायक एक ऐसी स्थिति बना के हम इस रिफाइनरी को आपके सामने पेश कर सकेंगे, और मुझे खुशी है कि हम लोग को कर पाए। देखिए रिफाइनरी का इतना बड़ा आपने फैसला लिया, जनता बहुत खुश नज़र आ रही है, मगर ऐसे में रोड शो को लेकर के गहलोत जी का ये कहना कि रोड शो उचित नहीं है। अब वो उनका कहना है, हम तो पूछ नहीं रहे ना।